टू अ चैनल, आई एम कृष्ण बागुल। डिफेंस हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम क्रांतिकारक बदलाव लाने वाली किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डिफेंस इस किताब ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारक बदलाव लाया है, विश्वास दिलाया है, ट्रस्ट दिलाया है दैट वी कैन विन, हम जीत सकते हैं। डिफेंस ये किताब में कहती है, यह दावा करती है कि साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का हक है। यू हैव राइट। आपका उत्तर मन आपके दावे को हकीकत में बदल देता है। आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते, आप इतना सारा पैसा चाहते हैं कि ताकि आप जब चाहे तब अपनी मन चाहे चीजें कर सके। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचाने। अगर धन आपके जोर में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है, आ रहा है, तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ है दोस्तों। धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो ये आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। ज्वार का आना और जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि ये जरूर लौटेगा। फ्रेंड्स, अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे ये किसी भी रूप में मिले। कई लोगों तंगी में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। इसका ये कारण है ये कि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वो पंख लगाकर दूर उड़ जाता है दोस्तों। धन को भगवान न बनाए, यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं, इसमें अपनी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाए, दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करे। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखे, फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपका चक्रवृद्धि व्याज देगा। गर्व में कहीं गुण नहीं है, ये मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए दोस्तों। आप यहाँ पर किसी डब्बे में रहने, चितड़े पहनने या भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग न करें। यह न कहे मैं धन में नफरत करता हूँ, धन से नफरत करता हूँ। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप मैं बुरा या अच्छा नहीं है, इसके बारे में इस तरह सोचने पर यह वैसा बन जाता है। बार बार दोहराए, मैं धन को पसंद करता हूँ। मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूँगा। मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूँ और ये हजार गुना होकर मेरे पास लौट आता है। धन तांबे, जस्ते, टीन या लोहे से ज़्यादा बुरा नहीं है, जिसे आप जमीन में पा सकते हैं। सारी बुराई मस्तिष्क के शक्तियों के अज्ञान और दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती है। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना ले। आपका अवचेतन मन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करता है और उसे साकार कर देता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दे। मुक्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती दोस्तों। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। अगर आपने अपने लक्ष्य, आदर्श और कर्मों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के नियमों को लागू करना। इसमें दौलत के विचार का बीज बोना है। डिफेंस हम ऐसे कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंक कर सकते हैं। सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन में सफल बनना है दोस्तों। इस धरती पर दीर्घकालीन शांति, खुशी और सुख पाने को सफलता की संज्ञा दी जा सकती है। इनका अनुभव ही यह अनंत जीवन है जिसके बारे में कुछ महान लोगों ने कहा है। जीवन की सच्ची चीजें जैसे शांति, सद्भाव, अखंडता, सुरक्षा और खुशी अमूर्त है। वे इंसान के गहरे स्वरूप से उत्पन्न होती है। इन गुणों पर मनन करने से स्वर्ग की
वे खजाने सारे अवचन मन में उतर आते हैं। यही यह सच्ची जगह है जहां जंग कमजोर नहीं करती दोस्तों, घुन और जंग कमजोर नहीं करती ये, और जहां चोर धावा बोलकर चुराते नहीं है दोस्तों। इसलिए जिंदगी में पॉजिटिव विचार करते ही है, अच्छे थिंक करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।